नमस्कार, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं ज्योग्राफी टीचर भंवर सिंह वेदवाल। हम कक्षा 11 के एक विशेष टॉपिक है, जो लेसन नंबर दूसरा है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्थ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आप प्रिय विद्यार्थियों, पेन और कॉपी लेकर बैठे और आप साथ में अपने नोट्स बनाते रहे। तो हम इस लेसन के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास कैसे हुआ, ब्रह्मांड कैसे बना, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, या पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी कौन कौन सी परिकल्पना है, कौन कौन से सिद्धांत है, इनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति 460 करोड़ वर्ष पहले मानी जाती है। पृथ्वी की उत्पत्ति 460 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 460 करोड़ वर्ष पहले मानी गई है। और पृथ्वी प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी एवं निर्जन ग्रह था। प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी एवं निर्जन ग्रह था, यानी पृथ्वी के ऊपर इस तरह से ठोस था, चट्टान था, और इसमें निर्जन ग्रह, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर रहता नहीं था, जीव की उत्पत्ति नहीं थी जो, और यहाँ का वायुमंडल विरल था। यहाँ का वायुमंडल विरल था। विरल यानी हवा यहाँ पर जो है, गैस है, वो बहुत कम थी, और यहाँ का जो वायुमंडल है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना था। जो वर्तमान के वायुमंडल से भिन्न था, तो देखिए, पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है, ये अनेक घटनाओं और क्रियाओं के बाद में, ये पृथ्वी अनेक घटनाओं व क्रियाओं के बाद एक सुंदर ग्रह में कई घटनाएं हुई। यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है, जो एक गर्म गैस का जो गोला थी पृथ्वी, तो इसके ऊपर क्या है, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन गैस थी, इसके मिलने से जो पानी बना, और ये पानी बार बार बरसा, तो इस प्रकार से पृथ्वी ठंडी अवस्था में आई। और वर्तमान से लगभग 400 यहाँ पर जो जीवन का विकास है, पृथ्वी पर जीवन का विकास, पृथ्वी पर जीवन का विकास तीन सौ अस्सी करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। पृथ्वी पर जो जीवन का विकास है, ये 380 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। और पृथ्वी की जो संरचना है, पृथ्वी की संरचना परतदार चट्टानों से हुई है। पृथ्वी की संरचना परतदार चट्टानों से हुई है। पृथ्वी की जो संरचना है वो परतदार चट्टानों से बनी हुई है, और इसके जो अंदर का घनत्व है, इसका जो बाहरी घनत्व कम है, बाहरी घनत्व
कम एवं आंतरिक घनत्व अधिक है। तो देखिए जो पृथ्वी की उत्पत्ति है यानी जो पृथ्वी का विकास है ये लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। और प्रारंभ में पृथ्वी एक चट्टानी एवं निर्जन ग्रह थी और यहाँ का जो वायुमंडल था वो बहुत विरल था, यानी हवाएं बहुत विरल थी और ये जो वायुमंडल है वो वर्तमान के वायुमंडल से काफ़ी भिन्न था। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों का जो वायुमंडल बना था और अनेक प्रकार की जो विभिन्न घटनाएं हुई है तो उन घटनाओं के कारण ये पृथ्वी है जो एक गर्म गैस का गोला थी इससे ठंडी अवस्था में परिवर्तित हुआ है, एक सुंदर मतलब एक ग्रह के रूप में परिवर्तित हुआ है। और पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है या जीवन का विकास है वो 380 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो चट्टान परतदार चट्टान सुई है और यहाँ का जो पृथ्वी का जो अंदर का घनत्व है वो भारी घनत्व है और भारी घनत्व कम है। तो ये इसकी देखिए पृथ्वी के उत्पत्ति का कुछ एक प्रारंभिक स्टेप था। अब इसकी जो पृथ्वी ग्रह इसकी विशेषताएं देखिए, पृथ्वी की विशेषताएं तो देखिए पृथ्वी की विशेषताएं तो देखिए एक तो जो सौर पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है जो सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा, देखिए पृथ्वी जो सूर्य का यह सौर मंडल का सौरमंडल का सूर्य से दूरी के आधार पर सूर्य से दूरी के आधार पर सूर्य से दूरी के आधार पर यह तीसरा ग्रह है और आकार के आधार सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा तथा आकार के आधार पर आकार के आधार पर पांचवा ग्रह है। सूर्य से दूरी के आधार पर ये कौन सा ग्रह है? तीसरा और आकार के आधार पर पांचवा ग्रह है। अब पृथ्वी एक गोलाकार पिंड है, पृथ्वी एक गोलाकार पिंड है पृथ्वी एक गोलाकार पिंड है जो ध्रुव पर चपटी तथा भूमध्य रेखा पर हुई है जो ध्रुवों पर चपटी तथा भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है और पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। तो देखिए पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, इसके अलावा और कोई ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। और पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में जल होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। यहां पर्याप्त मात्रा में जल होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। पर्याप्त मात्रा में जल होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं।
और यहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है, पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है। पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है। और इसका एकमात्र उपग्रह, एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है पृथ्वी का। एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो देखिए पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है और पृथ्वी की दो गतियां हैं। देखिए पृथ्वी एक तो पश्चिम से पूर्व में घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में घूमती है और इसकी दो गतियां हैं, एक तो दैनिक गति और एक वार्षिक गति। यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग 24 घंटे में, यानी पृथ्वी की जो दैनिक गति है, ये दैनिक गति लगभग 24 घंटे यानी 23 घंटे 56 मिनट और 40.91 सेकंड के अंदर, लगभग ये 24 घंटे का समय ये तो कहलाती है पृथ्वी की दैनिक गति। और दूसरी गति है वार्षिक गति। वार्षिक गति यानी परिभ्रमण गति। ये देखिए ये जो दैनिक गति है ये तो कहलाती है परिभ्रमण गति, और जो वार्षिक गति है ये कहलाती है परिक्रमण गति। और जो वार्षिक गति है ये 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 40.45 सेकंड, 40.45 सेकंड, ये है इसकी वार्षिक गति। तो देखिए पृथ्वी ग्रह की ये कुछ विशेषता है। जैसे पृथ्वी ये सौर मंडल का सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा तथा आकार के आधार पर पांचवा ग्रह है। पृथ्वी एक गोलाकार पिंड है जो ध्रुवों पर चपटी तथा भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है। देखिए पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर विभिन्न प्रकार की जो वायु पाई जाती है, गैसें पाई जाती है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है और इसकी दो गतियां हैं, दैनिक गति और वार्षिक गति। यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है वो कहलाती है दैनिक गति, और दैनिक गति है 23 घंटे 56 मिनट 40.91 सेकंड। और पृथ्वी जो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है वो कहलाती है वार्षिक गति, और वार्षिक गति का टाइम है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40.45 सेकंड। तो ये थी पृथ्वी की ग्रह की विशेषता। अब देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पनाएं, कुछ सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, तो कुछ विद्वानों ने सिद्धांत दिए। तो देखिए कौन कौन से सिद्धांत हैं इनके बारे में। तो देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले इमैनुअल कांट की बायवराशि परिकल्पना, एक विद्वान है इमैनुअल कांट, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो कहलाता है बायवराशि परिकल्पना। इसके बाद में लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, और चेम्बरलेन और मॉल्टन की ग्रहणु परिकल्पना, जेम्स जींस की ज्वारी परिकल्पना, ऑटो स्मिट की अंतर तारक दूरी परिकल्पना, और एडविन हब्बल की विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना यानी बिग बैंग सिद्धांत। तो देखिए ये सिद्धांत है ये पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रह, देखिए पृथ्वी ग्रह तो इसमें ग्रहों की उत्पत्ति संबंधी भी है, और ये जो बिग बैंग सिद्धांत है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंध सर्वमान्य सिद्धांत है। तो हम इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज हमें ये 11वीं क्लास के हिसाब से, देखिए 11वीं क्लास के बुक्स के अंतर्गत जो डिटेल से टॉपिक दिया गया है वो बिग बैंग सिद्धांत दिया गया है। इसके अलावा हम लाप्लास की निहारिका परिकल्पना और जेम्स जींस के ज्वारीय परिकल्पना के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो ये थे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधी परिकल्पनाएं, इमैनुअल कांट की वायवराशि परिकल्पना, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, चेम्बरलेन और मॉल्टन की ग्रहणु परिकल्पना, जेम्स जींस की ज्वारीय परिकल्पना, ऑटो स्मिट की अंतर तारक दूरी परिकल्पना, और एडविन हबल की विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। तो देखिए
आप इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको मिटाने से पहले तो देखिए इसमें ये परिकल्पनाओं से पहले मैं अंतरिक्ष के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहा हूं, ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड क्या है या अंतरिक्ष क्या है, ब्रह्मांड और अंतरिक्ष एक ही है क्या दोनों में अंतर है? तो आप देखिए इसमें कमेंट्स कीजिए कि ब्रह्मांड में और अंतरिक्ष में क्या अंतर है। ब्रह्मांड में और अंतरिक्ष में क्या अंतर है? देखिए सबसे पहले तो अंतरिक्ष अंतरिक्ष और इससे जो नीचे होता है वो है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड इसके बाद में आकाशगंगा, आकाशगंगा इसके बाद में तारकीय मंडल या तारामंडल, तारकीय मंडल जैसे सौर मंडल, सौर मंडल इसके बाद में ग्रह, ग्रह बौने ग्रह, शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह उल्का पिंड, पुच्छल तारे, और इसके बाद में उपग्रह, उपग्रह। तो देखिए मैं आपको बताता था कि ब्रह्मांड में और अंतरिक्ष में क्या अंतर है। तो देखिए ब्रह्मांड के अंतर्गत तो पूरा देखिए आकाश है वो पूरा ब्रह्मांड का सूचक है, जिसमें पृथ्वी को भी सम्मिलित किया जाता है। आकाश है वो ब्रह्मांड का सूचक है जिसमें पृथ्वी को भी सम्मिलित किया जाता है, जबकि अंतरिक्ष का अर्थ होता है पृथ्वी को छोड़कर। यदि पृथ्वी को छोड़ दिया जाए तो अंतरिक्ष, जैसे रॉकेट है तो रॉकेट कभी ब्रह्मांड में नहीं जाता है, रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है। यानी ब्रह्मांड के अंतर्गत तो पृथ्वी को भी सम्मिलित किया जाता है और अंतरिक्ष के अंतर्गत पृथ्वी को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो अब देखिए इसमें ब्रह्मांड के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां। तो देखिए ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड यूनिवर्स, तो देखिए ब्रह्मांड कैसे कहते हैं कि असंख्य आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं, असंख्य असंख्य आकाश गंगाओं के असंख्य आकाश गंगाओं के समूह को असंख्य आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं।
असंख्य आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्मांड अनेक आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। ब्रह्मांड अनेक आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। अनेक आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। तो देखिए आप ब्रह्मांड कैसे कहते हैं, असंख्य आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं और तारों के समूह को कहते हैं आकाश गंगा। ब्रह्मांड को आंगल भाषा में कॉस्मोस कहते हैं। देखिए ब्रह्मांड को आंगल भाषा में इसे कॉस्मोस कहते हैं। ब्रह्मांड को आंगल भाषा में कॉस्मोस कहते हैं और जिसका अर्थ होता है सुव्यवस्थित। ब्रह्मांड को आंगल भाषा में कॉस्मोस कहते हैं और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुव्यवस्था, यानी ब्रह्मांड के अंतर्गत सभी आकाशीय पिंड उल्का या समस्त सौर मंडल को सम्मिलित किया जाता है। ब्रह्मांड के अंतर्गत सभी आकाशीय पिंड ब्रह्मांड के अंतर्गत सभी आकाशीय पिंड उल्का समस्त सौरमंडल और इसके अलावा सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए असंख्य आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं और ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक आकाश गंगाओं से मिलकर बनाए। ब्रह्मांड को आंगल भाषा में सुव्यवस्था कहते हैं और ब्रह्मांड के अंतर्गत सभी आकाशीय पिंड उल्का समस्त सौरमंडल सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए ब्रह्मांड के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाला विद्वान क्लॉडियस टॉलमी। ब्रह्मांड के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाला विद्वान क्लॉडियस टॉलमी। ब्रह्मांड के बारे में जो सर्वप्रथम जानकारी देने वाले विद्वान है क्लॉडियस टॉलमी। इन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दी और ब्रह्मांड के बारे में जो नियमित अध्ययन प्रारंभ किया गया वो क्लॉडियस टॉलमी द्वारा 140 ईस्वी पूर्व ब्रह्मांड के बारे में जो नियमित अध्ययन प्रारंभ किया गया था वो क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा किया गया था। और एक यूनानी खगोल शास्त्री तो देखिए ब्रह्मांड के बारे में जो सर्वप्रथम जानकारी देने वाले विद्वान है वो यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी है और इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में सर्वप्रथम नियमित अध्ययन किया। टॉलमी का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। देखिए टॉलमी क्या कहता है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और अन्य सभी ग्रह इसके चारों चक्कर लगाते हैं। तो 140 ईस्वी पूर्व ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन शुरू किया गया। तो अब ये क्लॉडियस टॉलमी कहता है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और अन्य सभी ग्रह से के चारों चक्कर लगाते हैं। इनकी जो टॉलमी की जो अवधारणा है ये कराती है जियोसेंट्रिक अवधारणा जो टॉलमी की अवधारणा है
ये अवधारणा कहलाती है जियोसेंट्रिक अवधारणा। तो देखिए ब्रह्मांड के बारे में जो सर्वप्रथम जानकारी देने वाले विद्वान है क्लाडियस टॉलमी है। इन्होंने 140 ईस्वी पूर्व ब्रह्मांड के बारे में नियमित अध्ययन प्रारंभ किया और ये क्लाडियस टॉलमी ये कहता है कि जो पृथ्वी है ये ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और अन्य सभी ग्रह इसके चारों चक्कर लगाते हैं। और इसके आगे 1543 में कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी नहीं सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। ये कोपरनिकस क्या कहता है 1543 में कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। और अन्य सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इनकी देखिए यह अवधारणा बिल्कुल विपरीत होगी। टॉलमी ने यह बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और ये कोपरनिकस 1543 में यह बता रहा है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और अन्य सभी ग्रह इसके चारों चक्कर लगाते हैं। और देखिए ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा गया है। जो ब्रह्मांड है इसको दो भागों में बांटा गया है। तो देखिए एक तो है वायुमंडल, इसको ब्रह्मांड को दो भागों में बांट गए हैं। एक तो वायुमंडल एटमॉस्फेयर। तो देखिए पृथ्वी के धरातल से 300 से 1000 किलोमीटर तक का क्षेत्र, 300 से 1000 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो कहलाता है वायुमंडल। इसके बाद में अंतरिक्ष, अंतरिक्ष देखिए अंतरिक्ष स्पेस पृथ्वी के वायुमंडल के बाद का भाग, तो देखिए जो ब्रह्मांड है इसको दो भागों में बट गया है। 300 से 1000 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है ये तो क्या कहलाता है वायुमंडल। और इससे ऊपर वायुमंडल से ऊपर यानी पृथ्वी का जो वायुमंडल है इससे जो ऊपर का क्षेत्र वो कहलाता है अंतरिक्ष। देखिए जो अभी मैंने आपको पहले बता दिया कि जो आकाश है आकाश पूरे ब्रह्मांड का सूचक है, ब्रह्मांड के अंतर्गत पृथ्वी भी सम्मिलित कर ली जाती है जबकि अंतरिक्ष के अंतर्गत पृथ्वी को सम्मिलित नहीं किया जाता है यानी पृथ्वी से ऊपर का जो भाग है वो अंतरिक्ष कहलाता है। देखिए इसके अलावा पृथ्वी और चंद्रमा, देखिए ये पृथ्वी है और इसका उपग्रह चंद्रमा, तो इसके जो बीच का जो वायुमंडल है पृथ्वी और चंद्रमा है इसके बीच का वायुमंडल सिसलूनर कहलाता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो वायुमंडल है वो कहलाता है सिसलूनर। और देखिए इसमें टेलीस्कोप का आविष्कार, टेलीस्कोप का आविष्कार 17 जनवरी 1610 को गैलीलियो ने किया, 17 जनवरी 1610 को गैलीलियो ने किया। इसके बाद में देखिए 1805 के अंतर्गत ब्रिटेन के एक जॉन हर्सल, तो देखिए इन जॉन हर्सल ने एक हर्सल टेलीस्कोप का आविष्कार किया, हर्सल दूरबीन का आविष्कार किया। और इन्होंने ये बताया कि जो सौर मंडल है इन्होंने आप इससे अध्ययन करके और ये बताया कि सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है यानी देखिए ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक आकाशगंगाएं हैं, इन आकाशगंगाओं से मिलकर सौर मंडल बना है। और उसे हम जैसे आकाशगंगा के अंतर्गत हमारा जो सौर मंडल वो है मंदाकिनी, या मिल्क वे दुग्ध मेखला के अंतर्गत हमारा सौर मंडल है ये ग्रह है। जैसे
बुध शुक्र पृथ्वी मंगल जो भी आपके आठ ग्रह हैं, ये ग्रह हमारे सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में आठ ग्रह, तो देखिए ये मैंने कुछ ब्रह्मांड के संबंध में आपको सामान्य जानकारी दी थी, अब है आपके पृथ्वी के प्रति संबंधित सिद्धांत, और पृथ्वी के प्रति से संबंधित जो सिद्धांत है हम इसमें दो तीन सिद्धांतों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, देखिए लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, तो देखिए जो ये लाप्लास है ये फ्रांस निवासी है, फ्रांस निवासी, फ्रांस ये जो लाप्लास है फ्रांस निवासी है, फ्रांस निवासी, और ये एक खगोल गणितज्ञ एवं गणितज्ञ ज्योतिष से, एवं खगोल शास्त्रीय है, ये जो लाप्लास महोदय है ये फ्रांस के निवासी, एक खगोल शास्त्री, गणितज्ञ एवं ज्योतिष है, और ये कहते हैं कि जो ब्रह्मांड के प्रति यानी जो हमारा सौर मंडल है इसकी उत्पत्ति एक निहारिका से हुई है। निहारिका क्या है कि एक गैस में धूल के कणों का एक समूह है, तो इन्होंने जो अपने सिद्धांत है इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो 1796 में, 1796 में इनकी एक पुस्तक है एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, इनकी जो पुस्तक है एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, तो देखिए ये जो लाप्लास महोदय है ये फ्रांस निवासी है, गणितज्ञ ज्योतिष एवं खगोल शास्त्री है, इनकी पुस्तक है एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, इन्होंने इसमें अपना सिद्धांत दिया। इनका मानना है कि जो सौर मंडल है इसकी उत्पत्ति एक निहारिका से हुई है, सौर मंडल की उत्पत्ति एक निहारिका से हुई है, निहारिका, और निहारिका क्या है कि गैस एवं धूल के कणों का समूह, गैस एवं धूल के कणों का समूह है। तो देखिए इनका क्या मानना है कि प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत ब्रह्मांड के अंतर्गत एक उष्ण एक गर्म ये निहारिका है, ये गैस एवं धूल के कणों का समूह का ये विकास हुआ, उष्ण एवं गर्म गैस के धूल के कणों का विकास हुआ, और ये इसका जो आकार है इस निहारिका का जो आकार है ये लगभग सौर मंडल के व्यास के बराबर है, सौर मंडल के व्यास के बराबर, इसका जो व्यास है वो सौर मंडल के व्यास के बराबर है। तो देखिए ये लाप्लास महोदय ये कहते हैं कि ब्रह्मांड के अंतर्गत सर्वप्रथम गैस एवं धूल के कणों की एक निहारिका का विकास हुआ, और ये निहारिका एक घूमती हुई एक तस्तरी के नुमा है, और इसका जो व्यास है ये सौर मंडल के व्यास के बराबर है। अब इस निहारिका के अंतर्गत क्या हुआ कि समय के साथ साथ में इसकी ये घूर्णन गति है, इसके घूर्णन हो रहा है, और समय के साथ साथ में इसमें संकुचन हुआ, इसके अंतर्गत संकुचन हुआ है। देखिए संकुचन का अर्थ क्या होता है, सुकड़ाव, इसके अंतर्गत क्या हुआ है संकुचन हो रहा है, और संकुचन होने के साथ साथ में इसमें देखिए गैस एवं धूल के कणों की एक निहारिका है, और ये घूमती हुई तस्तरी नुमा है, इसके अंतर्गत समय के साथ साथ में क्या हो रहा है कि ये धीरे धीरे ये बाहर के किनारे से ठंडा होता जा रहा है, और ठंडा होने के कारण इसमें संकुचन हो रहा है, संकुचन यानी सुकड़ाव हो रहा है इसके अंतर्गत संकुचन। अब संकुचन होने के कारण क्या हो रहा है कि इसकी गति और तेज हो जाती है। देखिए आपको पता है
कि यदि कोई भी एक पिंड होता है और उसका आकार यदि कम होता जाता है तो वो उसकी गति तेज हो जाती है। तो उसकी जैसे आप देखें कि आपने एक धागा लिया और धागे के आपने एक पत्थर बांध दिया और पत्थर को बांध के आप ये घुमा रहे और जैसे जैसे वो पत्थर उंगली के लिपटता जाएगा तो जैसे नजदीक आता जाएगा तो उसकी गति तेज होती चली जाएगी। तो देखिए इसमें जब इसमें संकुचन हुआ है तो इस संकुचन के कारण इसकी गति तेज हो गई और इसमें संकुचन का एक कारण है इसके अंतर्गत एक बल कार्य करता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल के कारण संकुचन हुआ। तो देखिए लाप्लास ये कहता है कि ब्रह्मांड के अंतर्गत जो ब्रह्मांड का निर्माण है, सौरमंडल का निर्माण है, एक गैस एवं धूल के कणों की एक निहारका हुआ है। सबसे पहले एक गैस व धूल के कणों की एक निहारका विकसित हुई। इस निहारका के अंतर्गत धीरे धीरे इसमें संकुचन हुआ और संकुचन होने के कारण इसकी गति तेज हो गई, तेज गति हो रही इसकी। अब इसकी जो बाहरी परत है, इस बाहरी परत धीरे धीरे ये ठंडी होती गई, ये परत ठंडी होती गई है और इसके अंतर्गत ये बीच वाला भाग है, इसके अंतर्गत भूमध्य रेखीय क्षेत्र, इसमें उभार आ गया। इसके अंदर क्या आ गया? उभार आ गया। तो देखिए इसमें इसकी भारी परत ठंडी हुई है, अंदर ये गर्म है, तो इसके साथ साथ में क्या है कि भारी परतें ये अलग एक रिंग के रूप में हट गई, ये अलग से इसमें से रिंग हट गई और इस रिंग के अंतर्गत विस्फोट हो गया। इस रिंग में क्या हुआ? विस्फोट हुआ, अलग अलग टुकड़े बने, तो इन टुकड़ों के कारण ये अलग अलग पिंड बन गए जिनको ग्रह कहलाए, ये कहलाए ग्रह। और जो बीच वाला भाग है, बीच वाला भाग कहलाया सूर्य, बीच वाला भाग कहलाया सूर्य। तो इनका ये मानना है कि जो सौर मंडल है इसकी उत्पत्ति गैस में धूल के कणों की एक निहारका से हुई है। तो ये जो रिंग बनी, तो इन रिंग के कारण जो पिंड बने ये तो कहलाए ग्रह, और जो ग्रहों के चारों को चक्कर टुकड़े चक्कर लगाते वो कहलाते उपग्रह, और इसके अलावा और जो बचे टुकड़े वो कहलाते हैं उल्कापिंड। तो देखिए अभी भी जो ये सिद्धांत है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो इसके जो सौरमंडल की उत्पत्ति है वो इसी प्रकार से हुई है, अलग अलग रिंगों से हुई है, तो इस सिद्धांत का भी खंडन हुआ है कि अभी मतलब ये कोई जरूर विद्वान ये मानते हैं कि इनके जो रिंग हटी वो कितनी मात्रा में हटी, नोई हटी थी या इससे ज़्यादा हुई थी, या रिंग नोई क्यों हुई, इससे कम या अधिक क्यों हुई। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि यदि प्रारंभिक अवस्था में गैस में धूल के कणों की निहारिका बनी तो इसे इतने अधिक तापमान पर इसका ठोस अवस्था में रहना संभव नहीं है, तो ये तरल अवस्था में हो सकती है। तो इस प्रकार से ये खंडन होता है सिद्धांत का भी। और इसके अलावा अगला जो सिद्धांत है जेम्स जींस की ज्वारीय परिकल्पना, जेम्स जींस की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जींस की ज्वारीय परिकल्पना, देखिए ऐसे जो जेम्स जींस की ज्वारीय परिकल्पना है इसे द्वितारक परिकल्पना कहते हैं। जेम्स जींस की जो परिकल्पना है इसे द्वितारक परिकल्पना, जेम्स जींस की जो परिकल्पना है इसे द्वितारक परिकल्पना कहते हैं। यानी इस सिद्धांत के अनुसार जो सौर मंडल है या ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति दो तारों से हुई है, और इस जेम्स जींस की ज्वारीय परिकल्पना है। इस सिद्धांत को 1919 में जेम्स जींस महोदय ने 1919 में दिया, 1919 में, और इसके अलावा फिर इस सिद्धांत को 1926 के अंतर्गत जेफ्रीज महोदय ने इसमें संशोधन किया, जेफ्रीज महोदय ने उन्होंने इसमें संशोधन किया। ओके, तो ये जेम्स जींस महोदय ये कहते हैं कि जो सौर मंडल है इसकी उत्पत्ति दो तारों के टकराव से हुई है। तो देखिए ये क्या मानते हैं कि ब्रह्मांड में एक तारा पहले से ही मौजूद था, ये एक तारा ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद है जिसे इन्होंने सूर्य कहा, ये सूर्य ब्रह्मांड में पहले से मौजूद है और इससे भी कई गुना बड़ा आकार का एक तारा है, ये एक अलग तारा है, ये अपने पथ से गुजर रहा है, ये तारा है, ये सूर्य से भी कई बड़े आकार का तारा है, ये अपने पथ से गुजर रहा है
अब इसके अंतर्गत दो बल कार्य करते। देखिए ये कहते हैं कि जो सौर मंडल है इसकी उत्पत्ति दो तारों के टकराव से हुई है, यानी सूर्य का कुछ भाग टूटकर अलग हुआ है और इससे ये ग्रहों का निर्माण हुआ है। और इसके अंतर्गत दो बल कार्य करते हैं, एक तो ज्वारीय बल, ज्वारीय बल, ज्वारीय बल है, और दूसरा है आकर्षण बल, दूसरा है आकर्षण बल। दो बल कार्य कर रहे हैं इसके अंतर्गत। तो देखिए ज्वारीय बल क्या होता है कि जैसे सूर्य और चंद्रमा के चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जब ज्वारीय बल लगता है तो पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है, पृथ्वी से उभार आता है। तो इसी प्रकार से इसमें क्या है, इस तारे के बीच में और सूर्य के बीच में ज्वारीय बल लग रहा है और ये तारा इस सूर्य को अपनी तरफ खींच रहा है, वो कहलाता है आकर्षण बल। तो देखिए जेम्स जीन्स महोदय कहते हैं कि ये ब्रह्मांड में सूर्य एक तारे के रूप में पहले से मौजूद है और एक से तीन गुने बड़े आकार का तारा ये अपने मार्ग से गुजर रहा है। तो जैसे जैसे ये तारा सूर्य के नजदीक आ रहा है तो इसमें क्या है कि इसका आकर्षण बल लग रहा है, इस तारे का आकर्षण बल लग रहा है। तो इस तारे के आकर्षण बल के कारण सूर्य की तरफ ज्वार बल लग रहा है और इस ज्वार के कारण सूर्य का कुछ भाग इस आकार में, ये सिगार के आकार में कुछ ये टूटकर अलग हो जाता है, जिसे फिलामेंट कहा, फिलामेंट, ये सिगार के आकार में। ये जैसे ये तारा इसके या सूर्य के नजदीक आया, ये यहां आया, तो नजदीक आने के कारण इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, ज्वारीय बल लग रहा है। तो ज्वारीय बल के कारण इसका सूर्य का कुछ भाग ये सिगार के आकार में, फिलामेंट के आकार में टूट गया। तो ये जो टूटा हुआ भाग है, ये टूटा हुआ भाग है ना तो सूर्य में वापस चिपक सका क्योंकि इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ये बाहर निकल चुका है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल चुका है और इस तारे की गति ज्यादा होने के कारण तारा आगे निकल गया है और ये फिलामेंट इस सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाता लगाने लग गया। तो देखिए आपको ये फिलामेंट इसके चारों चक्कर लगाने लग गया, कुछ समय के बाद में इस फिलामेंट के अंतर्गत विस्फोट हो गया। देखिए ये इस तरह का ये फिलामेंट है ये, और इसमें विस्फोट हो गया और विस्फोट होने के कारण ये अलग अलग गोले बन गए जो ग्रहों की तरह, अगर आप ग्रहों का क्रम भी देखेंगे तो इसी प्रकार से पहले छोटा फिर बड़ा बीच और सबसे बड़ा फिर छोटा, इस तरह से ग्रहों का क्रम है। तो ये इस प्रकार से इस फिलामेंट के टूटने से ग्रह बने और ग्रहों के जो बीच के हिस्से बने इनसे उपग्रह बने। तो देखिये शॉर्ट में अर्थ ये है कि जो जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पनाएं, इस सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि जो ग्रहों का निर्माण है वो दो तारों के टकराव से हुआ है, इसलिए इस सिद्धांत को दो तारक परिकल्पना कहते हैं। इस सिद्धांत को जेम्स जीन्स ने 1919 में प्रतिपादित किया और 1926 में जेफ्री महोदय ने इसमें संशोधन किया। ये कहते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर सूर्य पहले से ही मौजूद था एक तारा और इससे भी बड़ा कई गुने आकार का तारा अपने मार्ग से निकल रहा है, तो दोनों के बीच में ज्वारीय बल एवं आकर्षण बल लग रहा है, तो इसके कारण सूर्य का कुछ भाग टूटकर अलग हो गया जिसे फिलामेंट कहा, और ये टूटा हुआ भाग ना तो सूर्य में वापस चिपक सका और ना इस तारे के साथ में जा सका, तो इसके बाद में ये सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाने लग गया। तो कुछ समय बाद में इस फिलामेंट में विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के कारण ये अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो गए जिससे ग्रह बने और ग्रह के बाद में जो कुछ टुकड़े बने उससे उपग्रह एवं उल्का पिंड बने। अब इस सिद्धांत के बारे में भी कई विद्वान खंडन करते हैं कि ग्रह के मध्य की दूरी के बारे में, यानी ग्रह की दूरी कितनी है इसके बारे में सिद्धांत सही नहीं है। इसके अलावा देखिए इसने जेफ्रीज महोदय ने यह नहीं बताया कि जो सूर्य के अलावा जो तारा था वो तारा आगे कहां से लगा, तो इस सिद्धांत के बारे में भी खंडन हो रहा है, लेकिन फिर भी ये सिद्धांत सर्वमान्य है। तो आज हमने पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, इसके बारे में अध्ययन किया। ये इसका फर्स्ट पार्ट था ये। अब अगले पार्ट्स के अंतर्गत हम बिग बैंग के सिद्धांत, तारों की उत्पत्ति, चंद्रमा की उत्पत्ति, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, यदि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।